भोपाल क्राइम ब्रांच ने कुख्यात सटोरियों को गिरफ्तार किया है। इनके अड्डे पर दबिश देकर क्राइम ब्रांच ने 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया है और क्या पूरा मामला है आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच ने कुख्यात सटोरी भैया कचरा के अड्डे पर दबिश देकर उसके 6 गुर्गों को पकड़ा है, जबकि भैया कचरा फरार हो गया। पूरी कार्रवाई में टीला जमालपुरा पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बताया गया है कि भैया कचरा की कई बार शिकायत होने के बावजूद थाना पुलिस उसके गुर्गों पर कार्रवाई नहीं करती, जबकि गुर्गे घर घर जाकर सट्टे की पर्ची काटते हैं। पुलिस को सट्टा पर्ची काटने के वीडियो भी मिले थे। एडिशनल DCP शैलेंद्र चौहान ने बताया कि सूचना मिली है कि टीला जमालपुरा में मकबरे के सामने स्ट्रीट लाइट के लिए लोग रुपयों का दाव लगाकर सट्टा लिख रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 7,400 रुपए नकद बरामद हुए। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि भैया कचरा नाम का जो बदमाश है सटोरिया है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यह सट्टा खिलवा रहा है, परंतु कई बार सामने ना आकर अपने व्यक्तियों के जरिए दिहाड़ी के दर पर सट्टे खिलवाता है। इसमें मजदूरों के रूप में आदमियों को लगाया जाता है और उनसे सट्टे का लेन देन पर्चियाँ लिखवाई जाती हैं। पूर्व में हम लोगों ने सूचना दबिश देकर इसके लोगों को पकड़ा था, वर्तमान में दबिश देकर पकड़ा गया 6 लोग इसके हमारी धरपकड़ में पकड़े गए हैं। भैया कचरा फरार है, इसके खिलाफ भी हम लोगों ने मामला कायम किया है, इसके इनाम जारी करके इसको भी पकड़ने की कार्रवाई करेंगे। लगातार IPL में सटोरियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच का अभियान जारी रहेगा और जैसे सूचना मिलती है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस सभी को गिरफ्तार करके थाने लेकर आई है। इन आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि भैया कचरा सट्टा लिखाता है, वो बाहर रहकर भोपाल में ये गोरख धंधा चलवा रहा है। समुद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।